हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आंवला कैंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आंवला बालों के लिए, आंखों के लिए और हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, पर बच्चे आंवले से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चटनी या फिर सब्ज़ी नहीं खाते हैं। पर आप आंवला कैंडी बनाकर दीजिए तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी को गर्म कर लिया है। हाफ के जी मैंने आंवला लिया है। आपको इतना पानी लेना है जितना कि आंवला अच्छे से डूब जाए। तो मैं आंवले को पानी के अंदर ऐड कर दूंगी और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको ढक देंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। पैन का कवर हटाएंगे और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आंवला हमारा कुक हुआ है या नहीं। तो इसकी एक पहचान है, आप देखिएगा कि आंवला सॉफ्ट होने लगता है और इसकी जो पीसीज है वो अलग होने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंवला अच्छे से बॉयल हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इनको बाहर निकाल कर हम पूरे तरीके से ठंडा कर लेते हैं। अब आंवला बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं आंवला का जो पीसेस हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो आपको इसी तरीके से बॉयल करने हैं, ओवर कुक नहीं करना है इनको, बस इतना ही कुक करना है जितना कि बस इसके पीसेस अलग अलग हो जाएं। तो अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगी पीसेस में और ये जो बीज हैं इनको हम बाहर निकाल देंगे और सारे पीसेस अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आंवला के सारे पीसेस को अलग अलग कर लिया है। अब हमें शुगर से इन आंवला के पीसेस को बहुत अच्छे से ढक देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और हाफ के जी आंवला में आप 250 से 300 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी है। अब इसको हमें प्लेट से ढक देना है और 3 दिन तक ऐसे ही रखे रहना है। अब मैं यहाँ पर इसको 3 दिन के बाद चेक कर रही हूँ। शुगर मेल्ट तो 2 घंटे में ही हो जाती है, पर हमें इसको 3 दिन के लिए इसलिए रखना पड़ता है ताकि आंवला चीनी का जो सिरप है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंवला कैंडी है वो जूसी हो गई है। आंवला ने सारा जो शुगर सिरप था वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको एक छलनी की सहायता से इस तरीके से अलग कर लेंगे शुगर सिरप को और आंवला कैंडी को। और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, जो ये शुगर सिरप है हमारा, आप इसको चाहे तो यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। और आप इसको भरकर एक कंटेनर में रख सकते हैं गर्मियों में, या फिर अभी भी आप इसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर पीजिए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी कैंडी जो है वो एक प्लेट के अंदर रख दिए। अब इसको हमें धूप में सुखाना है। जैसे गर्मियों की धूप होती है तो 1 दिन काफ़ी, अगर सर्दी की धूप है तो 2 दिन के लिए हमें इसको सुखाना पड़ेगा। मैंने इन आंवला कैंडी को 2 दिन धूप में सुखाया है क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। आप देख सकते हैं आंवला कैंडी अंदर से जूसी है और ज़्यादा हमने इसको सुखाया भी नहीं है, नहीं तो वो खाने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसको मीठा करने के लिए बूरा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बूरा की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब ही बूरा ऐड की है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी तैयार हो गई आंवला कैंडी। सच में आंवला कैंडी बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगी थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।